कांग्रेस ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और राज्य की नांदेड़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी है। इसमें हरियाणा की राजनीति में सक्रिय वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला को जगह मिली है। वह महाराष्ट्र में कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए चुनावी रैलियां और रोड शो करेंगे और लोगों से वोट देने की अपील करेंगे। हैरानी की बात यह है कि 40 स्टार प्रचारकों की इस लिस्ट में हरियाणा के हुड्डा परिवार का नाम नहीं है। कांग्रेस ना तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इसमें जगह दी है और ना ही उनके सांसद बेटे दीपेंद्र हुड्डा को प्रचारक बनाया है। लिस्ट में एक खास बात यह भी है कि स्टार प्रचारकों के सभी नामों पर सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा ने हस्ताक्षर किए हैं। कुमारी शैलजा हरियाणा के सिरसा से कांग्रेस की सांसद हैं और इस समय उन्हें जनरल सेक्रेटरी भी नियुक्त किया गया है। हाल ही में संपन्न हुए हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के आश्चर्यजनक हार का सामना करना पड़ा है। इसके बाद से ही कांग्रेस हाईकमान कुमारी शैलजा की नजदीक और हुड्डा परिवार से दूर नजर आ रही है। बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में ही लड़ा था। टिकट के बंटवारे से लेकर स्टार कैंपनरों की रैलियों तक में हुड्डा की ज्यादा चली है। इसी बीच कुमारी शैलजा कहीं फ्रंट पर नहीं दिखी। इसे कांग्रेस हाईकमान ने हरियाणा में हार का एक बड़ा कारण भी माना है। इस गुटबाजी के कारण संगठन कमजोर हुआ। हरियाणा चुनाव की घोषणा के बाद सिरसा सांसद कुमारी शैलजा ने सीएम कुर्सी पर दावा ठोका था। शैलजा ने कहा था कि प्रदेश में अनुसूचित जाति का सीएम होना चाहिए, चूंकि भूपेंद्र हुड्डा सीएम कुर्सी के सबसे बड़े दावेदार थे। इस वजह से हुड्डा समर्थक इससे नाराज हो गए। कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर शैलजा ने समर्थकों को टिकट दिलाने की पूरी कोशिश की। हालांकि इसमें हुड्डा की चली 90 टिकटों में से सबसे ज्यादा 72 हुड्डा के ही समर्थकों को मिल गई। इसकी वजह से शैलजा नाराज हो गई।